जय श्री राम दोस्तों, मैं बलवंत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने और एक नए ब्लॉग में। दोस्तों आज वाले ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे धर्म पथ का बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, सामने जो है सूर्य देव और साथ ही साथ उनके जो सातों घोड़े थे उनके साथ जो है उनकी प्रतिमा लगा दी गई है। ठीक है, ये चीजें बन के रेडी हो चुकी है। जिस तरीके से आपको सामने दिख रहा होगा उसी तरीके से जस्ट उनके पीछे अपोजिट भी उसी तरीके से दिखाई देगा। अभी हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं जहाँ पे इनकी जो है प्रतिमा यहाँ पे जा रही थी, जहाँ पे इनको कलर्स वगैरह किया जा रहा था। अभी आपको यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये जो कमल की पत्ती आपको दिखाई दे रही होगी इस तरीके से बनाई गई है, एक तरह से बोल सकते हो जो पंख टाइप का होता है वो बनाया गया है यहाँ पे। इनको जो है उठा के लेकर जाया जा रहा है, केरन की मदद से लेकर जा रहे हैं और यहाँ पे फिक्स करेंगे। आपको दोनों साइड पे जो लोहे दिख रहे हैं आपको दोनों साइड पे ऊपर से फिक्स किया जाएगा, इस साइड पे और इस साइड पर भी इसी तरीके से फिक्स किया जाएगा। आगे जो है वो किया भी जा रहा है, एक केरन की मदद से उसको उठाकर ऊपर फिक्स किया जा रहा है। तो वहाँ से चलिए आपको दिखाते हैं किस तरीके से जो है इसको फिक्स करते हैं, किस तरीके से अभी क्या क्या अपडेट है, पूरा धर्म पथ का दिखाएंगे। तो वीडियो को यार आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना। चलिए दिखाते हैं। तो ये केरन की मदद से इसको उठाया जा रहा है और इनको जो है फिक्स किया जा रहा है। आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए कंटिन्यू काम चल रहा है। इधर से आपको देखो के दिखाते हैं ये चीज़ें, आप लोग देखिए इधर से ये चीज़ें यहाँ पे देखिए। इसको उठा के जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि कलर्स वगैरह हो रहे थे और वहाँ पर भी एक केरन लगा हुआ है जो कि उठा के लेकर आएंगे और यहाँ पर फिक्स किया जाएगा। देखिए सूर्यदेव जी की जो प्रतिमा है यहाँ पर भी लगा दी गई है, उस साइड पर भी जो है लगा दी गई है। ठीक है, दोनों साइड पर लग चुका है। अब इनको जो है उठा के फिक्स किया जाएगा ऊपर की साइड से, ऊपर पे इसी पे लगेगा, इस साइड पर भी और इस साइड पर भी। अभी फिलहाल देखिए इस तरीके से है ना, यहाँ पे उठाया जा रहा है और जो है ये केरन से उधर से लाया जा रहा है, मैंने आपको दिखाया। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप इस साइड पर देखिएगा तो यहाँ पर भी उसी तरीके से देखिए ये सारे विंग्स जो है, सारी जो पत्तियाँ हैं वो तैयार की जा रही है। जिसे आप लोग इधर देखिए, ये यहाँ पर देखिए दोस्तों, इनको जो है कलर्स करने का काम किया जा रहा है यहाँ पर। उसके बाद जो है अभी जो है फाइनल नहीं हुआ, इसको पूरा पहले वाइट किए उसके बाद इस तरीके से कलर्स कर रहे हैं और पूरा देखिए कंप्लीट किया जाएगा। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा इनको जो है केरन की मदद से और यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पे उठाए हुए हैं इसी तरीके से उठा के ऊपर जो है फिक्स किया जाएगा। यहाँ पर आपको दोनों साइड पर इसी तरीके से जो है फिक्स किया जाएगा। जो अभी आपको दिख रहा है यहाँ पर उठाए हुए हैं इसी तरीके से इनको उठाया जाएगा। ठीक है, अभी देखिएगा इस तरीके से यहाँ पर इनको जो है तैयार किया जा रहा है। पहले वाले भी ब्लॉग्स मैंने आपको दिखाया था इनको जो है जब बनाया जा रहा था तब, देखिए अभी जो है इस तरीके से है। अभी का भी देखिए दोस्तों इस तरीके से देखिए तैयार किया जा रहा है, आगे जो है कलर्स किया जा रहा है इन पत्तियों को। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से पुट्टी वगैरह करते हैं, देखिए पुट्टी करके इनको रखें सूखने के लिए। जब ये पूरी तरीके से सूख जाएंगे तब इन पर जो है वो कलर्स किया जाएगा। ठीक है, और अगर हम आपको इधर दिखाएँ यहाँ पर आप लोग एक चीज़ दिखेगा, यहाँ पर जो है पत्तियाँ बड़ी हैं जो कि इन तरीके से देखिए इस क्रम में आ रही हैं। यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक छोटी सी पत्ती है, देखिए यहाँ से इस तरीके से इनको छोटा बनाया गया। वो इसलिए क्योंकि जब वहाँ पे सूर्य देव के ऊपर वहाँ पे लगाया जाएगा तो जो सबसे बड़ी वाली पत्ती है उनके साइड से रहेगी और इसी तरीके से छोटा छोटा होते हुए नीचे की तरफ लेकर आएंगे। देखिए अभी जो है इस तरीके से यहाँ पे इसको जो है बना रहे हैं काफ़ी चीज़ों का बिल्कुल अच्छे से ध्यान देकर। ठीक है, यहाँ से हम चलते हैं आगे और आपको भी थोड़ा सा आगे का अपडेट देंगे किस तरीके से आगे के काम वगैरह हो रहे हैं वो चीज़ें दिखाते हैं। पर दोस्तों एक चीज़ देखिएगा, जो यहाँ पे धर्म पथ के बाद जो मतलब ये बनाया गया था श्रद्धालुओं के लिए जो है फुटपाथ, अब देखिए श्रद्धालु उसका बहुत ही अच्छी तरीके से उपयोग कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए इस तरीके से देखिए बाहर के श्रद्धालु जितने हैं सभी देखिए पथ पकड़ के हुए आ रहे हैं, तो सारे जो फुटपाथ पकड़ के हुए आ रहे हैं। ठीक है, इधर से भी देखिएगा तो जो श्रद्धालु जा भी रहे हैं वो भी जो है अपने मार्ग से जा रहे हैं, अपने पथ से जा रहे हैं। ठीक है, जो बनाया गया है। ठीक है, बाकी व्हीकल्स वगैरह के लिए तो ये दोनों जो मार्ग हैं वो रेडी है ये हैं। तो इस तरीके से दोनों चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान दिया गया है। एक बार यहाँ का व्यू देखिए, बहुत ही प्यारा व्यू लगता है। देखिए इस तरीके से यहाँ से जो श्रद्धालु जा रहे हैं और इस साइड से जो है वो आ रहे हैं, देखिए इस तरीके से, और इस तरीके से आगे जाके निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों किस तरीके से देखिए यहाँ पे जो है इसी तरीके से मंच बनाए जा रहे हैं कई कई जगहों पे, जहाँ पे आपको इस तरीके से गाने वगैरह सुनने को मिलेंगे। और आज जो है काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है श्रद्धालुओं की, श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं सभी लोग। रामलला का जो है मंदिर के उद्घाटन के लिए सभी को बहुत ही अच्छे से खुशी है सबके अंदर, सभी लोग जो आ रहे हैं देखिए इस तरीके से श्रद्धालु जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको रामायणकालीन चित्र वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और तो और जो यहाँ पे फूल वगैरह के लिए बनाया गया, मैंने आपको बताया भी था यहाँ पे जो है फूल लगाया जाएगा इसमें, वो चीज़ें को आप लोग देखिए अभी जो है मिट्टी वगैरह उसमें डाल के सारी चीज़ें को जो है रेडी कर रहे हैं। देखिए इस तरीके से है अभी का व्यू। इधर देखिए कलर्स वगैरह किया जा रहा है, जो कि थोड़ा बहुत काम बचा हुआ था उनको जो है कलर्स कर रहे हैं। देखिए इस तरीके से
सर्विस कलर्स कर रहे हैं। और श्रद्धालुओं को एक बार आप लोग नज़र डालिए, अभी आपको ये जो दिख रहा है ना, ये आप लोग इतना समझ लीजिए कि एक सिर्फ नॉर्मल सा ट्रेलर है, एक भी परसेंट ये नहीं है। जिस दिन रामलला के मंदिर का उद्घाटन होगा, आपको दोनों साइड पर श्रद्धालु ही आपको दिखेंगे, इस साइड से भी आपको जाते हुए दिखेंगे, यहाँ से आपको भारी मात्रा में आते हुए भी दिखाई देंगे। तो आप लोग, ये तो सिर्फ ट्रेलर है जो आप लोग अभी फिलहाल इसको देख रहे हो, आप एक समझ सकते हो कितने ज़्यादा श्रद्धालु आने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद लगाई जा रही है कि पूरे 10 लाख श्रद्धालुओं का आगमन होगा पहले दिन यानी उद्घाटन के दिन। चलिए देखते हैं, आपको पूरा लाइव भी हम दिखाएंगे किस तरीके से श्रद्धालु आ रहे हैं। तो इसीलिए बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए, आप लोग का ही बेनिफिट है, आपको जो है बिल्कुल लाइव आपको अपडेट मिलता रहेगा। यहाँ से देखिए दोस्तों, इस तरीके से देखिए श्रद्धालु जा रहे हैं यहाँ से। काफ़ी अच्छा कि गवर्नमेंट जो इस मार्ग को इतना बेहतर बनाई है यहाँ पर कि श्रद्धालुओं के लिए काफ़ी अच्छा है, दोनों साइड से जो है श्रद्धालु जाए, जिनको पैदल जाना है यहाँ से जाए। देखिए इस तरीके से जो है श्रद्धालु जा रहे हैं, अभी कभी देखिएगा धर्मपथ का, बाकी जो है रोड वगैरह सारे फाइनल हो चुके हैं, सभी जो है काम कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए ये रामायण कालीन जी इधर जो है थोड़ा बहुत बचा हुआ है जो कि कलर्स वगैरह का काम, बाकी इधर जो है व्हाइट पट्टी डाल रहे हैं, उनका जो है काम चल रहा है अभी का, बाकी आगे का आप लोग भी दिखेगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर भी रामायण कालीन चित्र, देखिए अब ज़्यादातर खेती वाले जो है रामायण कालीन चित्र का यूज़ किया जा रहा, लगाया जा रहा, क्योंकि इनको जो है काफ़ी आसानी होती है फिक्स करने में, इनको पहले एक बार चिपका देते हैं, उसके बाद जो है कागज़ नुमा निकालते हैं, वो पूरा लग के रेडी हो जाता है। और यहाँ पर आप लेकिन देखिएगा ये देसी खाद जो है डाला जा रहा है, ताकि जो बीच में फूल पौधे पेड़ लगाए जाएँ वो अच्छे तरीके से लग जाए। देखिए यहाँ पर आपको बिल्कुल देसी खाद दिखाई दे रहे हैं, जिसको गोबर बोलते हैं, उनको लाया जा रहा है ताकि काफ़ी अच्छे से जो है वो पौधे लग जाएं, जो कि देखिए इधर लगाए जा रहे हैं, जो कि कम कम अभी दूर पेड़ लगाए जा रहे हैं, देखिए इस तरीके से लगाए जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मार्किंग किए हैं वाइट वाइट, उसके बाद जो है उसमें गड्ढा खाना जा रहा है, देखिए गड्ढा जो है बना रहे हैं पेड़ पौधों के लिए, देखिए इस तरीके से यहाँ पर पूरा बनाया जा रहा है। इधर आप लोग देखिए इसी तरीके से पूरा पेड़ लगेगा, पूरे धर्मपथ में बीच में जो डिवाइडर है यहाँ पर पूरे धर्मपथ में आपको पेड़ दिखाई देंगे, तो बहुत ही प्यारा व्यू इसका निखर के आने वाला है। अभी तो जो है कंटिन्यू काम चल ही रहा है, ठीक इस तरीके से। और ये सब एरिया आप लोग देखिए यहाँ पे जो है इस तरीके से काम चला, इधर भी अभी हालांकि थोड़ा बहुत काम जो है डिले है रामायण कालीन चित्र का, लेकिन वो चाहेंगे तो एक दिन में भी रेडी कर देंगे, क्योंकि अब जो है उनके पास नए तरीके की जो है रामायण कालीन चित्र लगाने की तकनीकी है, वो जल्द से जल्द रेडी कर देते हैं बना के। और इधर भी आप लोग देखिएगा तो इस तरीके से काम वगैरह किए जा रहे हैं। और इधर का आप लोग भी देखिए तो इस तरीके से देखिए सारे सूर्य स्तंभ लग के रेडी हो चुके हैं, मैंने पहले कई बार भी दिखाया आपको। और साथ ही साथ इधर का देखिए काम किस तरीके से किया जा रहा है, और कितने ज़्यादा जो है श्रद्धालु आ रहे हैं जो कि रामलला का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं यहाँ से। ये चीज़ें आपको दिखाते हैं, ये चीज़ें आप लोग देखिए यहाँ से काफ़ी भीड़ भी हो रही है अब यहाँ से देखिए, क्योंकि जो है आगे मार्ग का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी वजह से एक रास्ता जो है ब्लॉक किया गया है, उसकी वजह से भीड़ हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, जो है थोड़ा बहुत काम बचा हुआ था इसका जो है कर रहे हैं, इसको करने के बाद जो है निकाल रहे हैं जो कि पहाड़ वगैरह जो बांधे जाते हैं। और यहाँ पे आप लोग देखिएगा, मैंने आपको शॉर्ट्स के माध्यम से ये तस्वीरें आपको दिखाई थी मैंने हनुमान जी की, और अभी देखिए इनको जो है उठा के फिक्स कर दिया गया है। मैंने आपको आगे ही बताया था कि अब जो है ये अच्छी तकनीकी है, कम टाइम में ज़्यादा काम हो जाते हैं, बाहर से लेकर आते हैं उसे उठा के इसको जो है फिक्स कर देते हैं इस तरीके से। देखिए अभी बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा है इनका, देखिए। और ये कब का सीन है मैंने उस वीडियो में आपको बताया था, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो बताना, नहीं तो आप लोग उसको अगर पता है तो कमेंट करके बताइए कब का सीन है जब हनुमान जी देखिए उड़ रहे थे। देखिए कब का सीन है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए यहाँ से और आगे जो है एक रामायण कालीन पेंटिंग और बनाया गया है, जिनको वहीं पर डिज़ाइन किए हैं, उसी जगह पे बनाए हैं, वो चीज़ें आपको चलिए दिखाते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिएगा इस पर देखिए बालू वगैरह डाल रहे हैं, देखिए जैसे यहाँ पर बालू रखा हुआ है इस पर डाल रहे हैं, ताकि जो है श्रद्धालुओं को चलने में भी आराम रहे। और साथ ही साथ ये जो ईंट लगाया गया है नेपाल से ला के, उनमें जो है वो जो बीच बीच में जगह खाली है उनमें जो है फिल हो जाए वो कंप्लीट पूरा, और ये अच्छी से इसकी जो है मजबूती बन जाए। तो इस तरीके से देखिए इसमें बालू वगैरह सारी चीज़ों को जो है डाल रहे हैं। और सामने का भी वो मैं आपको चल के दिखाता हूँ, जो मैंने बोल रहा था कि रामायण कालीन चित्र जो है यहीं पर इसको डिज़ाइन किया गया है, यहीं पर बनाए हैं, बाहर से लेकर नहीं आए हैं, वो जो आपको दिखाते हैं बहुत ही प्यारा व्यू लगता है उसको देखने में, तो वो चीज़ें आपको चलिए दिखाते हैं।
अभी आप लोग देखिएगा तो इस तरीके से देखिए भीड़ वगैरह लग रही है भाई। अब ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो भीड़ इसी तरीके से लगेगी, और अभी तो ये कुछ नहीं है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगने वाली है जल्दी ही। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, मैं आपको पहले बता रहा था इस रामायणकालीन चित्र को यहीं पे जो है इसको डिज़ाइन किया गया है, ठीक है, यहीं पर जो है इसको बनाए हैं, बाहर से नहीं लेकर आया गया, यहीं पर जो है इसको डिज़ाइन किया गया है, POP द्वारा किए जा रहे थे। उसको पहले मैंने ब्लॉग अपलोड किया था मैंने, जिसमें पूरा इंटरव्यू लिया था, पूरा दिखाया था आपको कि किस तरीके से जो है इनको बनाया जा रहा है। बाकी अब आप लोग देखिएगा कलर्स वगैरह करके किस तरीके से सारे जितने पात्र हैं किस तरीके से जो है इसमें निखर के आ रहे हैं। अभी आप लोग देखिएगा तो इस तरीके से जो है इनका व्यू बना दिया गया, इस तरीके से ये दिख रहे हैं, देखिए इस तरीके से पूरा दिख रहे हैं अभी। और जब मैंने आपको दिखाया था पूरा वाइट वाइट था, और इसको जो है बना रहे थे जो कि कानपुर के जो है कलाकार आए हुए थे इनको बनाने के लिए, और इस तरीके से देखिए अभी व्यू दे दिए हैं। और साइड साइड में जो है GRC वगैरह भी जो है लगेंगे, और उसमें कलर्स वगैरह लगेगा तो जो है इसका जो है कलर्स काफ़ी अच्छे तरीके से निखर के आएगा। तो इस तरीके से जो है अभी का व्यू मैंने आपको दिखाया, और इस तरीके से धर्मपथ पे एक से दो और अभी बनाए गए हैं जो कि उस साइड पर थे, मैंने आपको दिखाया भी था। तो ये कुछ इस तरीके से जो है अभी इसका व्यू है। तो ये था दोस्तों कुछ धर्मपथ का व्यू जो कि मैंने आपको पूरा डिटेल में दिखाया जितना मेरे से हो सका, ठीक है। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।